यूट्यूब में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइटम को दबाकर परमंडल की ताजा खबर पाएं सबसे पहले सबसे आगे। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के मामले में व्हाट्सएप ग्रुप में समुदाय विशेष को आहत करने वाले एक पोस्ट डालने के आरोपी को लातेहार पुलिस ने बड़ी तत्परता के साथ बालूमाथ के चिटुआ गांव से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी युवक चिटुआ के ही लेदवा गंजू का पुत्र बबलू गंजू है, जिसने बालूमाथ ब्रेकिंग न्यूज नामक व्हाट्सएप ग्रुप में किसी समुदाय विशेष के अगवा के संबंध में अत्यंत आपत्तिजनक कथन पोस्ट कर दी थी। मामला बिगड़ने से पहले ही पुलिस ने सूझबूझ और सजगता का परिचय देते हुए कार्रवाई को अंजाम दिया। ध्यान देने की बात यह है कि यदि आप भी किसी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं या किसी ग्रुप के एडमिन हैं तो यह खबर आपके लिए भी है। व्हाट्सएप पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले पोस्ट सहित अफवाह फैलाने वालों की अब जरा भी खैर नहीं। सहायक पुलिस अधीक्षक ऋषभ झा के नेतृत्व में गठित टीम ने युवक को मोबाइल के साथ रंगे हाथों धर दबोचा। उसके बाद पुलिस जांच में अन्य दो एडमिन का भी पता चला। पहला एडमिन चिटुआ का ही अरुण यादव नामक युवक है, जबकि दूसरा एडमिन बगैर जानकारी के ही ग्रुप से जोड़ा गया। दोनों को कानूनन नोटिस भेज पुलिस ने शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। बालूमाथ थाने में संबंध में आरोपियों के विरुद्ध 153A, 295A, 298 और 34 भारतीय दंड विधान के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। वहीं पुलिस अधीक्षक प्रशांत आनंद ने ग्रुप संचालकों के लिए गाइडलाइन जारी करते हुए सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों को कड़ी चेतावनी दे दी है। कहा कि अब हर एक पोस्ट पर पुलिस की पैनी नजर है। कल दिनांक 8 जून 2018 को एक व्हाट्सएप ग्रुप ब्रेकिंग न्यूज़ बालूमाथ में खबर आई कि एक नंबर है जिसके जो नंबर बबलू गंजू जो कि चिटुआ के रहने वाले हैं उनके नंबर से एक पोस्ट किया गया जो कि मुस्लिम समुदाय के मोहम्मद साहब के प्रति अत्यंत ही आपत्तिजनक पोस्ट था। इस पोस्ट का तुरंत हमें इसकी सूचना दी गई थाने में, इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए बबलू गंजू को गिरफ्तार किया गया। उसके खिलाफ 153A, 295A, 298 और 34 सेक्शन में इसके खिलाफ FIR किया गया। बाकी इस ग्रुप के दो एडमिन अरुण यादव और महेंद्र कुमार के अगेंस्ट कानूनन नोटिस निकाली गई कि उन शो कॉज नोटिस और उनके खिलाफ धारा 107 की कार्रवाई की गई। इस मामले को बहुत ही गंभीरता से लिया है बालूमाथ पुलिस ने और आगे अगर ऐसा किया जाता है किसी के द्वारा तो इसमें बहुत कड़ा निर्देश दिया जाता है कि आगे से सारे ग्रुप एडमिन और सारे ग्रुप सदस्य इसका ध्यान रखेंगे कि आपके जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं इसमें किसी भी समुदाय के प्रति कोई भी आपत्तिजनक पोस्ट या शब्द नहीं हो। इसमें अगर आपकी संलिप्तता पाई जाती है तो इस पर आगे से भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।